बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि जदयू के विधायक रतेश सर्दा मंत्री पद की शपथ ले गए। राज्यपाल ने इन्हें पत्र भी भेज दिया है। आपको बता दें कि रतेश सर्दा 16 जून को 10 बजे से राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं रतेश सर्दा, देखिए इस वीडियो में। रात तक में पहुंचिए, लेकिन 2 मिनट के बाद मुख्यमंत्री जी बोले 6 बजे तक पटना आइए। इतना ही ठो बोले, हम कहे 5 बजे तक आ जाएंगे और 5:30 बजे पहुँचे और मिले साहब से, चाय ते पिए और प्रणाम पाती किए, हम सीधे चले आए डेरा। लेकिन हमको फोन से पहले ही आप लोग के चैनल के माध्यम से चर्चा हो रही थी, हमको ये भी पता नहीं था सर संतोष सुमन इस्तीफा दे दिए। आपका शपथ ग्रहण समारोह है, वही चिट्ठी लेने के लिए बुलाए, तो उसके बीच का बात है, उस बात में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हमको जैसा लगता है जो उसका मनगढ़ंत बात है, वो अति महत्वाकांक्षी हैं, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। जीतन राम मांझी का बेटा है, लेकिन मैं अपने कर्म के नाम से जाना जाता हूँ। आप लोग को भी पता होगा मैं 3री बार विधायक हूँ, उनके पिताजी 8 बार की 10 बार बने हैं, तो पिता का मोहर लगा हुआ है और हम पर, हमारे पीठ पर कर्म का मोहर लगा हुआ है। और पता चल जाएगा 2024 में उसको मुसहर समाज उसके साथ में कितने हैं।